तो आज हम बनाएंगे शादियों में फंक्शनों में खाने वाला मज़ेदार सा मीठा मीठा सा जर्दा। इजी और परफेक्ट रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा ताकि आपकी जो रेसिपी है वो बिल्कुल परफेक्ट बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल सब्सक्राइबर एंड वेलकम बैक इन अदर रेसिपी ऑफ रमजान सीरीज। तो चलें बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और रेसिपी की तरफ चलते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देखें, वाटर हमने यहाँ पर बॉयल होने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे इलायची, जिसको मैंने इस तरीके से थोड़ा सा ओपन कर लिया है, वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे। जर्दा बनाने के लिए हमें चाहिए 1/2 kg सेला राइस यानी कि गोल्डन राइस। ये आपको मार्केट से आसानी से मिल जाएंगे किसी भी शॉप से। जर्दा आप जब भी बनाएं तो इन चावलों का यूज़ करें, इससे जर्दा बिल्कुल परफेक्ट बनता है। इन चावलों को मैंने 2-3 घंटों के लिए अच्छे तरीके से भिगो दिया था। अब हमारा पानी यहाँ पर बॉयल हो चुका है, तो अब हम इसमें राइस ऐड कर देंगे। बस इसको हल्के हाथ से इस तरीके से मिक्स करेंगे, ज़्यादा मिक्स नहीं करना। अब हम इसको कवर कर देते हैं जब तक कि चावल हमारे फुली टेंडर ना हो जाए। चावलों को हमने 100% गलाना है। तो यहाँ पर चावल हमारे 100% गल चुके हैं, हमने चावलों को 100% ही गलाना है क्योंकि इसमें चीनी जाएगी तो ये चावल जो है थोड़े से सख्त हो जाएंगे। अब हम इन चावलों के वाटर को छान लेते हैं और चावलों को साइड पे रख देते हैं। आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमने यहाँ पर अब कलर बनाने हैं, तो मैं यहाँ पर 1/4 teaspoon ग्रीन कलर ले रही हूँ, 1/4 teaspoon ऑरेंज कलर, 1/4 teaspoon रेड कलर। आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं या फिर आपको जितने कलर पसंद हैं उस हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे। तकरीबन मैं यहाँ पर 2-2 teaspoon यूज़ कर रही हूँ वाटर, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। कलर हमारे यहाँ पर अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं, तो हमने जो चावल बॉयल किए थे उनमें से अब 2-2 spoon हम इसमें ऐड कर देंगे इस तरीके से। अब हम इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। जब तक मैं मिक्स करती हूँ तब तक आपने क्या करना है, आपने करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में दिए गए बेल आइकन को कर देना है प्रेस, क्योंकि आपको मिलेगी मेरे चैनल पर मजीद मजे मजे की रेसिपीज। अब हम इनको साइड पे कर देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे मैंने 4 teaspoon घी लिया है, उसको अब पैन में ऐड कर देते हैं इस तरीके से, और उसको थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 cup ऑफ शुगर। आप अपनी मर्जी के मुताबिक शुगर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इस चीनी को घी के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। चीनी अच्छे तरीके से घी के साथ मिक्स हो चुकी है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे वाटर। मैं यहाँ पर 1/2 cup से सिर्फ थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ पर आपको 1/2 kg जर्दा बनाने का फार्मूला बता रही हूँ। आप इस तरीके से इतनी ही क्वांटिटी यूज़ कीजिएगा हर चीज़ की, तो आपका 1/2 kg जर्दा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। चीनी को अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं और इसमें एक उबाल आने का वेट करते हैं। तो यहाँ पर देखें हमारा शुगर सीरम बिल्कुल तैयार है, ये बिल्कुल उबल चुका है। तो अब हम इसमें राइस ऐड करेंगे। ये चावल जो हमने बॉयल करके रखे थे पहले, वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम इन चावलों को अच्छे तरीके से शुगर सिरप में मिक्स कर देंगे। चावलों को अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लिया है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं नारियल यूज़ कर रही हूँ, ड्राई नारियल। इस तरीके से पीसेस में मैंने उसको कट कर लिया है, वो इसमें ऐड कर देंगे ऊपर से। अब इसमें जाएगा बादाम, जिसको मैंने भिगो के रखा था और उसके छिलके को रिमूव कर लिया है। देन उसके बाद इसमें जाएगा किशमिश। अब हम इसमें ऐड करेंगे ट्यूटी फ्रूटी, जो भी आप कलर यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। अगेन हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं इसमें। हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे। अब हम इसको अच्छे तरीके से सेट कर देते हैं इस तरीके से। अब हम इसमें वो राइस ऐड करेंगे जिनको हमने कलर में डिबो के रखा था,
इस तरीके से अलग अलग साइडों पे इनको डालेंगे। जैसे कि ये देखिए, मैंने रेड कलर इस साइड से डाला है, तो ग्रीन में अब यहाँ पे डालूंगी। इस तरीके से ऑरेंज राइस को भी अब हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे घी। घी हमने पहले भी 4 टीस्पून यूज़ किया था, अब अगेन हम यहाँ पर 4 टीस्पून यूज़ करेंगे। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा राइस के ऊपर डालते जाएंगे। अब जो ड्राई फ्रूट हमने इसमें पहले ही ऐड किए थे, वो अगेन हम इसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। और अब हम इसको 10 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारे 10 मिनट हो चुके हैं और हमारे मीठे चावल बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं, ताकि ये जो कलरफुल राइस है ये आपस में घुल मिल जाए। हल्के हल्के हाथों से और आराम से इसको मिक्स करना है। तो चावल हमारे अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जर्दा, हमारे मीठे चावल बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ये इतने मज़े के बनते हैं, इतने मज़े के बनते हैं कि बस आप इनको खाते ही चले जाएंगे। आई होप कि आज की रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। हमेशा हंसते मुस्कुराते और मेरी वीडियो को लाइक करते रहें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सब्सक्राइब फॉर मोर रेसिपीज़।